subscribe to our channel for latest video series on GATE, UGC, NET and more. Also press the bell icon so that you never miss an update on any latest video. For more information, you can visit our website or call on the numbers below. Hello students, welcome to Digimento Education. Today we are going to complete our topic on prepositions, and today we are going to do some other prepositions. जैसा कि हमने prepositions की series में पहले किया था, हमने preposition of time किया था, preposition of place किया था, और place में भी हमने position और moment किया था. आज इस वीडियो में हम वो prepositions करने वाले हैं जो टाइम और प्लेस या मोमेंट के अलावा आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाने का काम करता है, और इसीलिए हमने इसे कहा है प्रेपोजिशन दैट्स अदर्स, अदर प्रेपोजिशंस वी आर टॉकिंग अबाउट. चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हम कि इसमें हम क्या करने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं. पहला प्रेपोजिशन इस कैटेगरी में है हमारा विद. तो देखते हैं कि विद हमारा कहाँ यूज़ होता है. विद इज़ यूज टू शो इन द कंपनी और प्रेजेंस ऑफ समबडी और समथिंग. यानी कि हम विद को इस्तेमाल करते हैं जब किसी की हम कंपनी को या किसी के प्रेजेंस में किसी चीज़ के या किसी इंसान के होने की बात करते हैं, तो उस केस में हम हमेशा विद को यूज़ करते हैं. जैसे रोहन लिव्स विद हिज पेरेंट्स. रोहन जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है. रोहन यूजुअली आप देखते हैं कि लड़के या बच्चे जवान हो जाते हैं तो कई बार अलग रहते हैं, बट यहाँ पर हम बता रहे हैं दैट दिस इज़ रोहन. सो रोहन लिव्स विद हिज पेरेंट्स. रोहन जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है. आई हैव अ क्लाइंट विद मी राइट नाउ. इस समय मेरे साथ मेरे क्लाइंट बैठे हुए हैं. आई हैव अ क्लाइंट With me right now. अभी इस वक्त मेरे साथ मेरे क्लाइंट हैं. I had bread with scrambled eggs. मैंने scrambled eggs के साथ ब्रेड खाई या ब्रेड के साथ scrambled eggs खाए, यानी कि साथ में खाया. So I had bread with scrambled eggs. चलिए आगे देखते हैं. With is also used to show having or carrying something. जब आप किसी चीज़ को लेकर जाते हैं या आपके पास कोई चीज़ होती है तो उसके लिए भी हम with को यूज़ करते हैं. जैसे I saw a man with a red suitcase. यानी कि मैंने एक आदमी को देखा जिसके पास red color का suitcase था, right? So क्या था? He was carrying a red suitcase. So I saw a man with a red suitcase, right? और examples देखते हैं इसी चीज के लिए. इंदर wanted to buy a jacket with a hood. So इंदर जो है वो एक ऐसी जैकेट खरीदना चाहता था जिसके साथ हुड हो. हुड पता है आपको, जो कैप्स होती हैं जो साथ में अटैच्ड होती हैं उसे हुड कहा जाता है. सो इंदर वॉन्टेड टू बाय अ जैकेट विच हैड और विच हैड अ हुड मीन्स विद अ हुड. दे आर बोथ इन द बेड विद फ्लू. उन दोनों को फ्लू है. दे हैव फ्लू. आजकल बहुत सारा फ्लू फैला हुआ है, वायरल है. सो दे आर बोथ इन द बेड विद फ्लू. वो दोनों फ्लू के कारण बेड में है. देन विद इज ऑल्सो यूज टू शो यूजिंग समथिंग. यानी कि जब आप किसी चीज को यूज करते हैं किसी भी काम के लिए तो उसके लिए भी हम विद लगाते हैं. देखिए फिर वही है, साथ ही होता है लेकिन हिंदी में, बट उसका यूजेज अलग अलग है इन केस ऑफ English. The first sentence or first example is write your exam with a blue pen. आप लोग जानते हैं अगर आप कोई competitive exams देते हैं या आप board के exams देते हैं कुछ भी, तो उसमें आपको एक blue pen use करना होता है. You cannot use a red or a green or any other color pen. So you have to write your exam with a blue पेन. यानी कि आपको ब्लू पेन को यूज़ करना है उसको एग्ज़ाम को लिखने के लिए.
chop the vegetables with a knife. Usually hum log kehte hain cut the vegetables, but actually the correct word is chop the vegetables. To aap vegetables ko chop karte hain kiske saath? With a knife. Knife ke saath. Can you eat noodles or can you eat rice with chopsticks? Chopsticks, kya aap noodles ya rice jo hain wo chopsticks ke saath kha sakte hain? With chopsticks, yani ki chopsticks ko use karke unko kha sakte hain. So, ye the hamare examples of with, jo ek aapko company dikhata hai. Dusra, jab aap kisi cheez ko carry karte hain ya aapke paas kuch hota hai. Aur teesra, with aapko dikhata hai using something. Jab aap kisi cheez ka use karke use karte hain, koi kaam karte hain. Iske alawa, with is also used to show in opposition to something or somebody or against somebody. Yani ki aap with ko bhi is sense mein bhi istemal kar sakte hain. Jab aap kisi ke against kisi cheez ki baat karte hain ya kisi ke opposition mein kisi cheez ki baat karte hain, jaise would you have a match with me, kya tum mere sath match khelogi? To yahan par mere sath ka matlab hai mere opposite mein. Maan lijiye this is I and this is let's say my friend Parveen, right? So, I have asked Parveen that would you have a match with me? Kya tum mere khilaaf match khelogi? India has fought 4 wars with Pakistan since independence. Azadi se lekar ab tak India ne Pakistan ke saath 4 ladaiyan ladi hain. Yani unke khilaf ladi hain. Saath matlab unke saath milke kisi aur ke khilaf nahi, but Hindi mein saath Pakistan ke saath hi bolte hain, but English mein iska matlab hota hai unke khilaf. India has fought 4 wars with Pakistan since independence. I had an argument with my wife. Mera apni biwi ke saath ek argument ho gaya. So I had an argument with my wife. The next preposition we have is of. O-F, of. Of is used to show belonging to somebody or relating to somebody, right? Of ko hum istemal karte hain jab hum kisi cheez ko batate hain ki wo cheez kiski hai, kisko belong karti hai, ya wo kis cheez se ke ya kis insaan ke saath judi hui hai. Do you know who is the new president of the United States? Kya aapko pata hai ki United States ka naya president kaun hai? Yani ki wo kaun hai, wo kahan ko belong karta hai, wo US ko belong karta hai, right? Ya wo US se related hai. Do you know who is the prime minister or president, sorry, president of the United States? Or if I say Narendra Modi is the prime minister of India, right? He's related to India. I bought a painting of Cleopatra. Maine Cleopatra ki painting kharidi. So ye kisko, ye painting kiski hai, kisko belong karti hai? Cleopatra ko. Ab aap soch rahe honge Cleopatra kaun hai? Aisa kaha jata hai according to the Egyptian civilization or the Egyptian culture ki Cleopatra ko one of the most beautiful women on the earth mana jata hai. So ye jo painting hai ye Cleopatra ki hai. So I bought a painting of Cleopatra. Can't you throw out the old bike of Tommy's? ये जो bike है, ये जो आप देख रहे हैं, ये किसकी bike है? ये Tommy की bike है, और ये बहुत पुरानी bike है. So can you throw out the old bike of Tommy? So Tommy की आप ये पुरानी bike फेंक सकते हो कि नहीं फेंक सकते हो? So it's can you throw out the old bike of Tommy's? Of is also used to show belonging to something or being a part of something or relating to something. Ye aapko ye bhi dikhata hai ki kisko kaun si cheez belong karti hai ya wo kis cheez ka hissa hai ya wo kis tarah us cheez se judi hui hai.
Like Ratan Tata is the MD of the Tata Group. यानी कि रतन टाटा जो हैं वो टाटा ग्रुप से किस तरह से जुड़े हैं? He is the MD of the Tata Group. What was the result of the match? I'm sorry, किसी कारण से मैं पूरा मैच नहीं देख पाई. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैच का रिजल्ट क्या था? What was the result of the match? The next says sentence, please close the lid of the box tightly. आप please इस box की जो lid है, lid मतलब उसका जो cap है, उसे tightly बंद कर दीजिए. Please close the lid of the box tightly. वरना अंदर हवा जा सकती है और चीज़ खराब हो सकती है. Of is also used to show concerning or showing somebody or something. जब आप किसी तरह का concern दिखाते हैं या आप कोई चीज़ दिखाते हैं, right? तो उसके लिए भी हम of use करते हैं. Like this, this is the photograph of my dog. This is the photograph of my dog. ये मेरे dog का photograph है. तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये वाला, this one, this one. This is the photograph of my dog, not that one, right? This is the photograph of my dog. मेरे कुत्ते का photo है. This is the political map of India. ये इंडिया का एक political map है. This is the political map of India. ये इंडिया का political map है. Then the another example says the three idiots is the story of three friends and their passion. जो three idiots movie थी वो तीन दोस्तों की कहानी थी. Means it was concerned about three friends and their passion. और उनका जो भी passion था, like wanted to be a engineer, wanted to be a photographer or whatever. So उसके बारे में basically ये movie थी. Of is also used to show the measurements and the expression of time and age. जो of है वो आपको वजन या measurements बताता है. इसके अलावा वो आपको time और age भी बताने का काम करता है. चलिए देखें किस तरह से. Please bring 2 kgs of potato. कृपया 2 kilo आलू ले आइए. अब kg क्या है? This is a unit of measurement. तो ये हमें ऑफ यूज़ करते हैं. या अगर मैं आपसे कहती हूँ कि प्लीज़ ब्रिंग अ बॉटल ऑफ वाटर, राइट? अब मैंने आपसे कहा कि आप एक बॉटल वाटर ले आइए. तो एक बॉटल हो सकता है वो 1 liter की हो या 5 liter की हो, और इट कैन बी इवन लाइक 500 ml, राइट? सो प्लीज़ ब्रिंग अ बॉटल ऑफ वाटर. पानी का एक बोतल ले आइए. अब बोतल का मेजरमेंट कैन वेरी विद दैट. द नेक्स्ट इज व्हाट इज द ईयर ऑफ योर बर्थ. आपके बर्थ का ईयर क्या है? तो यहाँ पर ये आपका एक साल जानने की कोशिश कर रहे हैं, ईयर जानने की कोशिश कर रहे हैं. ईयर ऑफ योर बर्थ, आपके जन्म का साल. Right. So she is a girl of 12 years. So वो 12 साल की लड़की है. She is a girl of 12 years. Right. तो ये आपका एज का मेजरमेंट्स हो गया. और रही बात टाइम की, वो हम ऑलरेडी जब हमने टाइम प्रेपोजिशन किया था वहाँ पे हमने ऑफ को यूज़ किया था. ऑफ इज ऑल्सो यूज टू शो द रीज़न ऑफ डेथ. हम किसी की डेथ का कारण अगर बताते हैं तो उसके लिए भी हम ऑफ को यूज़ करते हैं. जैसे फारा फॉसेट डाइड ऑफ कैंसर. शी वॉज एन अमेरिकन हॉलीवुड एक्ट्रेस. वो कैंसर से मर गई. शी डाइड ऑफ कैंसर. और इफ आई से द प्रिंसेस डायना डाइड ऑफ एक्सीडेंट. जो प्रिंसेस डायना है किस कारण से बनी मरी? मैंने आपसे कहा कि हम जब किसी की मौत का रीज़न या कारण बताते हैं तो उसके लिए हम ऑफ यूज़ करते हैं.
So the Princess Diana died of accident. Princess Diana jo hai, ye, you can see the car in which she was traveling, jiska accident hua tha. So Princess Diana car accident mein mar gayi. Princess Diana died of an accident. यश चोपड़ा, आप जानते होंगे, शायद आपने सुना होगा, यश चोपड़ा वॉज अ वेरी पॉपुलर प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर ऑफ यशराज फिल्म्स. यशराज चोपड़ा डाइड ऑफ डेंगी. यशराज चोपड़ा जो हैं वो डेंगू के कारण मर गए. अब आप सोच रहे होंगे कि एक बार मैंने कहा डेंगी और एक बार मैंने कहा डेंगू. हिंदी में आप इसे डेंगू बोल सकते हैं, बट इन इंग्लिश द करेक्ट प्रोनंसिएशन इज डेंगी. डेंगी. तो अगर आपका सेंटेंस इंग्लिश में है सो आप उसमें बोलेंगे यशराज चोपड़ा डाइड ऑफ डेंगी. अब ऐसा क्यों है, इसके लिए आप हमारे और वीडियोस देख सकते हैं. हमारे एक वीडियो सीरीज़ है रिगार्डिंग द डिफरेंस इन द ब्रिटिश अमेरिकन एंड इंडियन इंग्लिश, जिसमें आपको पता चलेगा कि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम इंडिया में गलत प्रोनंस करते हैं. सो आप उसे फॉलो करेंगे तो आपके ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. सो लेट्स गो फर्दर. अगला प्रेपोजिशन हमारा है जो हमें और सारी चीज़ें दिखाता है, वो है हमारा बाय. राइट, सो लेट्स लुक इनटू बाय नाउ. बाय इज यूज्ड टू शो हाउ समथिंग इज डन. तो बाय हमें ये दिखाता है कि किस तरह से कौन सी चीज़ हुई है या होती है. लाइक सॉरी आई ब्रोक द ग्लास बाय मिस्टेक. मैंने गलती से ग्लास तोड़ दिया. सो कैसे तोड़ा, किस तरह से वो मैंने काम किया, इट हैपन बिकॉज ऑफ मिस्टेक, बाय मिस्टेक. सॉरी आई ब्रोक द ग्लास बाय मिस्टेक. नेक्स्ट एग्जाम्पल से इज मैम, अब ये जो काउंटर पे गर्ल है ये बोल रही है इस लेडी को, मैम विल यू पे बाय क्रेडिट और बाय क्रेडिट, यहाँ का मतलब है क्रेडिट कार्ड, और बाय कैश. सो मैम आप क्रेडिट से पे करेंगी या कैश से पे करेंगी, यानी कि किस तरीके से पे करेंगी, हाउ यू विल पे. मैम विल यू पे बाय क्रेडिट कार्ड और बाय कैश. मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा कि उसकी मैरिज फिक्सअप हो गई है और उसने मुझसे कहा कि आई विल सेंड यू द इनविटेशन बाय स्पीड पोस्ट. मैं तुझे इनविटेशन कार्ड जो है वो स्पीड पोस्ट से भेज दूंगी. आई विल सेंड यू द इनविटेशन कार्ड बाय स्पीड पोस्ट. अनदर यूसेज ऑफ बाय इज इट इज यूज्ड टू शो हाउ someone travels, कोई कैसे travel करता है, उसके लिए भी हम by use करते हैं. How do you go to school? आप school कैसे जाते हैं, किस तरीके से जाते हैं, या तो answer है I go to school by bus. मैं bus से school जाता हूँ. Right? Bus से school जाता हूँ. Next example says, I am going to Singapore by ship. आपको पता है बहुत सारे आपके cruises होते हैं, बड़े बड़े streamliners होते हैं. ऐसा ही एक streamliner है which goes to Singapore. So I am going to Singapore by ship. The next is, there is a lot of traffic, so please go to office by metro. आज बहुत ज़्यादा रोड पे ट्रैफिक है, मैं अभी आई हूँ, तो अगर आपको ऑफिस जाना है then please go to office by metro. तो मेट्रो से चाहिए. Please, इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा. आप हर तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक बाय कार, बाय ट्रेन, एनीथिंग एक्सेप्ट, प्लीज नोट दिस, एक्सेप्ट फुट, या अगर आप हॉर्स बैक पे हैं, हॉर्स बैक मतलब अगर आप घोड़े से जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, तो उस केस में हम बाय को यूज़ नहीं करते हैं. वी डोंट यूज़ बाय, बल्कि उस केस में हम यूज़ करते हैं ऑन. आई मान लीजिए मेरा ऑफिस बहुत पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस है, सो मैं ये कह सकती हूँ आई गो टू माई ऑफिस ऑन फुट, और आई गो टू माई ऑफिस ऑन
horseback. I know horseback is at least in the cities it's not possible, but मैं एक example के तौर पे आपको समझा रही हूँ. तो ध्यान रखिएगा, अगर आप foot या horseback की use कर रहे हैं तो उस केस में आप यहाँ पर by को use नहीं करेंगे. You will just use on with it. Then by is also used to show who made it. यानी कि कोई चीज़ कोई कुछ बना है तो वो किसने बनाया है, who made it, right? ये दिखाने के लिए भी हम by use करते हैं. Today the dinner was cooked by my father. आज का जो खाना है, आज का जो dinner है, वो मेरे पापा ने बनाया है. So किसने बनाया है, who made it? My father made it. So today the dinner was cooked by my father. Then the next example says half girlfriend is written by Chetan Bhagat. अब half girlfriend एक book का नाम है. So ये किसने लिखी है, who wrote it, who made it? Chetan Bhagat. So half girlfriend is written by Chetan Bhagat. The Titanic movie was directed by James Cameron. So ये जो Titanic movie है ये किसने बनाई है, who made it? It was made by James कैमरून. सो इस तरीके से आप बहुत सारे और एग्जाम्पल्स अपने आप भी बना सकते हैं इन्हीं एग्जाम्पल्स की को एक बेस बनाकर. द नेक्स्ट प्रेपोजिशन दैट वी हैव इज ओवर. ओवर, राइट? सो ओवर इज यूज टू शो मोर दैन अ पर्टिकुलर नंबर और लिमिट. अब हम ओवर को यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक फिक्स नंबर है, मान लीजिए 50, राइट? सो एक कमरे में 50 लोग आ सकते हैं, लेकिन इस एक लिमिट से, इस एक नंबर से अगर वो बढ़ जाता है सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ओवर, राइट? देयर वर ओवर 100 पीपल फॉर द सेमिनार. मान लीजिए हमने सोचा था कि शायद सेमिनार में 100 लोग आएंगे या 80 आएंगे, बट 100 से ज़्यादा आए. तो 100 क्या था, मान लीजिए एक लिमिट था, एक नंबर हमने सेट किया था. सो इट इज़ ओवर 100 पीपल फॉर द सेमिनार. शी कुड नॉट एंटर द कॉम्पिटिशन, शी वॉज ओवर द एज लिमिट. अब देखिए उम्र की भी कई जगहों पर आप जानते हैं एक एज की भी एक लिमिट होती है. लाइक अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा रहे हैं तो उसमें भी एक एज लिमिट होती है, लाइक 30 ईयर्स और 25 ईयर्स और समथिंग लाइक दैट. सो ये भी बेचारी एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहती थी, बट शी कुड नॉट एंटर द कॉम्पिटिशन बिकॉज शी वॉज ओवर द एज लिमिट. जो एक एज की लिमिट थी, शी वॉज अ बिट अहेड, मे बी एक साल या कुछ भी वक्त ऊपर हो सकता है, बट शी वॉज ओवर द एज लिमिट. If your handbag weighs over 10 kilos, you must check it in. अब कई बार होता है जब आप जाते हैं, आप handbag रखते हैं अपने पास, लेकिन अगर आपका handbag का वज़न 10 किलो से ज़्यादा है तो आपको उसको चेक इन करना पड़ेगा. चेक इन मतलब उसको आपको लगेज में भेजना पड़ेगा. सो इफ़ योर हैंड बैग वेज ओवर 10 kgs, यू मस्ट चेक इट इन, राइट? सो चेक इट इन का मतलब है आपको उसे लगेज में भेजना पड़ेगा अलग से. यू कैन नॉट कैरी इट विद यू. अब अभी अभी आपने ओवर देखा, अब ओवर के बाद हम बात करेंगे अक्रॉस की. अक्रॉस, सो लेट्स सी अक्रॉस हमें क्या दिखाता है. अक्रॉस एक्चुअली शोज यू when something is emphasized, you know, it is used to emphasize that something is happening at the same time in many places, many places, like within an organization or a city or a country. जब कोई चीज़, कोई भी एक चीज़ एक ही वक्त पे बहुत सारी काफ़ी बड़ी जगह पे होती है तो उसके लिए हम हमेशा अक्रॉस यूज़ करते हैं. अब मान लीजिए कंपनी में 50 लोग हैं और 50 लोगों के बीच में कुछ हो रहा है या किसी सिटी में हो रहा है या किसी कंट्री में हो रहा है एक ही वक्त पे, तो उसके लिए हम अक्रॉस यूज़ करते हैं. अक्रॉस द कंट्री
people are coming out to vote for a new government across the country, yani ki puri country mein sab log jo hain wo bahar aa rahe hain wo vote karne ke liye aa rahe hain. So across the country people are coming out to vote for a new government. She has opened a coffee shop across the city and it is very successful. Usne country mein ek shop kholi, across matlab puri city ke beech mein ek shop kholi hai and wo bahut successful hai. It's very successful. They have office or not office, I'll say offices all across Europe. उनके offices मान लीजिए कोई भी एक company, Indian company हो सकती है जिसके offices England में भी हैं. Then you have in what should I say, this is your Portugal, Spain, France, Germany, Italy and many more countries, you know. So उनके offices जो हैं, उनके जो branches हैं offices की, that is all across the Europe. वो पूरे Europe के अंदर हैं. तो across हुआ पूरे उसके अंदर, right? अब है हमारा next preposition, that is your from. From is used to show who gave or sent something. आपको किसने क्या दिया, मान लीजिए आपको किसी ने दिया या किसी ने कुछ भेजा, तो अगर मैं क्वेश्चन करती हूँ किसने भेजा किसने दिया, तो उस केस के लिए हम यूज करते हैं फ्रॉम. आंसर में हम यूज करेंगे फ्रॉम. लाइक आपके पास कोई गिफ्ट है, हु गेव दिस गिफ्ट, आई गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम माई मदर. ये गिफ्ट जो है वो मुझे मेरी माँ से मिला. I got a gift from my mother. A man from the insurance company came to evaluate the loss. आपको कोई loss हुआ है तो एक आदमी आया है. कहाँ से आया है, where, from where he has come. He has come from the insurance company, right? I got the news about my promotion from Rohit. मुझे जो खबर मिली, मेरे पास जो खबर आई वो कहाँ से आई कि मेरी प्रमोशन होने वाली है, ये खबर मुझे मिली. और कहाँ से मिली, रोहित से मिली. यानी कि वो मुझे खबर किसने दी, रोहित ने दी. सो आई गॉट द न्यूज अबाउट माई प्रमोशन फ्रॉम रोहित. अब आफ्टर फ्रॉम अनदर प्रपोजिशन वी हैव इज इन टू. इन टू, इन टू इज यूज्ड टू use for the change of state or some kind of transformation. यानी कि into जो है वो किसी state change के लिए हम use करते हैं या transformation. Transformation का मतलब होता है change of some character of something, change in character of something, you know, it can be anything. Or change of state ka matlab yahan pe hai from like solid, liquid or gas. State matlab Delhi, Punjab, Haryana nahi, balki state of this. Like it is so hot that the ice turns into water within few minutes. इतनी गर्मी है कि अगर आप एक आइस, एक बर्फ का टुकड़ा रख देंगे तो कुछ मिनटों के अंदर वो पानी बन जाएगा. अब देखिए, आइस जो होती है दैट इज इनटू अ सॉलिड शेप, राइट, सॉलिड स्टेट. लेकिन जो पानी होता है दैट इज इनटू अ लिक्विड स्टेट. सो चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, इसलिए हमने क्या लगाया, इनटू. ओके, ओ The ugly little girl has turned into a beautiful lady. मान लीजिए कि एक लड़की थी बचपन में बहुत अगली, अगली मतलब बहुत बदसूरत दिखती थी, लेकिन अब वो कैसी बन गई है, वो एक बहुत सुंदर बन गई है, बहुत सुंदर लेडी बन गई है. दैट मीन्स क्या हुआ कि उसकी जो पर्सनैलिटी है उसमें एक कंप्लीट चेंज आया. As I said, transformation हुआ. Transformation means change of character, change of personality. Right, so the ugly little girl has turned into a beautiful lady. तो पहले वो थी
अगली. आप कैसी हैं? ब्यूटिफुल. दोनों एक दूसरे के टोटल ऑपोजिट्स हैं, तो एक ऑपोजिट चीज़ जो है वो उसमें ट्रांसफॉर्म हो गई. इफ द मिल्क गेट्स सावर देन इट चेंजेस इन टू कॉटेज चीज. अगर आपका जो दूध है वो खट्टा हो जाता है, खट्टा इन द सेंस अगर वो ख़राब हो जाता है, फट जाता है, तो वो किस में बन जाता है, किस में क्या बन जाता है उसका? कॉटेज चीज़. अब कॉटेज चीज़ जिसे आप लोग एक्चुअली पनीर बोलते हैं, पनीर को इंग्लिश में कॉटेज चीज़ कहा जाता है. सिर्फ चीज़ कहेंगे तो वो एक मोज़रेला और स्लाइस चीज़ एंड कुछ भी हो सकता है, बट कॉटेज चीज़ इज़ पनीर. सो इफ़ द मिल्क गेट्स सावर देन इट्स चेंजेस इन टू कॉटेज चीज़. अगर दूध ख़राब हो जाता है, फट जाता है, तो वो कॉटेज चीज़ बन जाता है, उससे पनीर बन जाता है. देखा आपने इनटू किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, राइट? अगला प्रपोजिशन है हमारा अबाउट. नाउ अबाउट इज़ यूज्ड फॉर द टॉपिक और व्हाट अबाउट, यानी कि अगर आप किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं या किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम अबाउट यूज़ कर सकते हैं. लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट यू. अब मान लीजिए हम बात कर रहे थे और आप आ गई, तो हम कहे अरे मैं तो तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, हम लोग तो तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे. यानी कि किसके बारे में बात कर रहे थे? यू वर टॉकिंग अबाउट व्हाट? यू वर टॉकिंग अबाउट दिस गर्ल. आप इस लड़के के बारे में बात कर रहे थे, इसके बारे में, राइट? सो वी वर टॉकिंग अबाउट यू. Today, everyone should talk about the women's safety in India. आजकल हर किसी को इंडिया में जो women's safety issues हैं उसके बारे में बात करनी चाहिए. किसके बारे में? You should talk about the women's safety in India. तो यानी कि हमारी बातचीत का जो मुद्दा है, हमारी बातचीत का जो टॉपिक है, वो होना चाहिए women's safety. Everyone is talking about the price rise. कई लोगों का कहना है अरे पेट्रोल के दाम बढ़ गए, अरे इस चीज़ के दाम बढ़ गए. सो हर कोई किसके बारे में बात कर रहा है? प्राइस राइज के बारे में. तो उनकी बात करने का जो टॉकिंग का टॉपिक है वो क्या है? दैट इज़ प्राइस राइज. सो एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द प्राइस राइज. अब हम देखेंगे कुछ एक्सरसाइज. अभी तक जो हमने प्रपोजिशंस किए हैं, अभी तक मतलब इट कैन बी द प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्लेस, पोजिशन, मोमेंट और अदर प्रपोजिशंस, उनको यूज़ करके हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे. लाइक फिल इन द करेक्ट प्रपोजिशंस. दीज डेज लॉट ऑफ पीपल आर सफरिंग - वायरल फीवर. गर्मियों का मौसम बहुत गंदा होता है, इसलिए आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो वायरल फीवर से सफ़र कर रहे हैं. दीज डेज लॉट ऑफ पीपल आर सफरिंग. यस, क्या आएगा यहाँ पे? फ्रॉम वायरल फीवर. ही इज़ वर्किंग इन - his cabin which is next - mine. He is working, कहाँ काम कर रहा है वो? अपने केबिन में. अपना means in, right? In his cabin which is next to. याद कीजिए, अगर मैं यहाँ कुछ ना लगाती तो आप by mine, beside mine बोल सकते हैं. यानी कि वो अपने केबिन में काम कर रहा है जो कि मेरे केबिन के साथ है, which is next to mine. अगला है, एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर टर्न्स वेपर्स. टर्न कर रहा है, यानी कि वाटर क्या है हमारा? एक लिक्विड स्टेट है, और वेपर्स क्या है हमारा? एक गैसियस स्टेट है, राइट? यानी कि कोई चीज़ जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रही है, तो क्या आएगा? इनटू. एट 100 डिग्री सेल्सियस द वाटर टर्न्स इनटू वेपर्स. हाउ डू यू गो - स्कूल? My office is - so I go. Okay, it should be like not a school but it should be office. How do you go to office? Aap office kaise jaate ho? How do you go to office? My office is - so I go foot. Aapka office kya hoga ki aap paidal jayenge? My office is nearby.
राइट. नियर बाय मतलब पास में, मेरे ऑफिस जो है पास में ही है. सो आई गो ऑन फुट. रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि जब भी फुट या हॉर्स बैक होता है हम हमेशा ऑन को यूज करते हैं ना कि बाय को. Another example, another exercise is like bus stops dash many stations. Bus बहुत सारे stations पे रुकती है. So bus stops at many stations. The girls slowly climb dash the mountain. Climb का मतलब होता है चढ़ना, और mountain के चढ़ रही हैं तो ऊपर ही चढ़ेंगे ना. So slowly climbed up the mountain. हाँ, आप down भी बोल सकते हैं, लेकिन वो went down होगा, climbed down नहीं होगा, right? So अगर climb है तो up ही होगा. There was a thunderstorm and soon the light went. बहुत एक thunderstorm आया था. Thunderstorm मतलब आंधी तूफान. और soon और जल्दी ही, immediately उसके बाद क्या हुआ, the light went, light चली गई, the light went off. The driver jumped dash the car. The driver है वो कार से कूद गया. So the driver jumped from the car भी हो सकता है या off the car भी हो सकता है. The river Ganga originates dash Gangotri. यानी कि जो गंगा है वो कहाँ से शुरू होती है, गंगोत्री से. So it originates from Gangotri. We went Agra train. We went, और ये क्या है, एक जगह है. So we went to Agra by train. हम आगरा ट्रेन से गए थे. या आप बोल सकते हैं कि अगर आप ट्रेन से नहीं गए थे, आप अपनी गाड़ी से गए थे, तो आप बोल सकते हैं कि we went to Agra by car और by bus, जिस भी तरीके से आप गए थे. लाल बहादुर शास्त्री हैज़ बीन इंटेलिजेंट डैश हिज चाइल्डहुड. लाल बहादुर शास्त्री अपने बचपन से ही बहुत होशियार थे. सिंस हिज चाइल्डहुड. नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस हियर इज, देयर इज नो फ्लेम डैश द लैम्प. मतलब जो लैम्प है, जो दिया है, उसमें कोई फ्लेम यानी कि रोशनी नहीं है. इन द लैम्प. I am dash the disinvestment policy of the government. मैं गवर्नमेंट की disinvestment policy के साथ हूँ हो सकता है, के खिलाफ हूँ हो सकता है, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं. So you can say I am with the disinvestment policy of the government, मतलब मैं उनके साथ हूँ, और I am against the disinvestment policy of गवर्नमेंट. अगर आप साथ हैं तो विद बोलेंगे, खिलाफ है तो अगेंस्ट बोलेंगे. द नेक्स्ट एग्जाम्पल सेज, द प्रिंसिपल इज द हेड डैश द स्कूल. प्रिंसिपल का क्या रिश्ता होता है स्कूल के साथ, वो हेड होता है किसका, स्कूल का, राइट. सो द प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल. आइडियर इज द बुक डैश किरण बेदी. यानी आइडियर जो बुक है वो किसकी है, किरण बेदी की है. इट इज़ बुक बाय किरण बेदी, रिटन बाय, वो किसकी है, किसने लिखा है, हु मेड इट, हु रोट इट, किरण बेदी. डैश महाराष्ट्र द वाटर लेवल हैज़ डैश नॉर्मल लेवल. महाराष्ट्र में जो पानी का लेवल है वो चला गया है कहाँ, नॉर्मल लेवल से ऊपर, नीचे. सो इट इज़ इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में पानी का जो लेवल है वो क्या हो गया है, गर्मी आने से नीचे चला गया है, हैज गॉन डाउन, नीचे चला गया है, हैज गॉन डाउन नॉर्मल लेवल. पाकिस्तान हैज, पाकिस्तान वॉज डैश मुंबई अटैक. हम सब जानते हैं, एटलीस्ट इंडिया में, और अब तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि जो 26/11 जो मुंबई के अटैक्स हुए थे उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था. सो पाकिस्तान वॉज बिहाइंड. याद है हमने किया था सम हिडन थिंग, बिहाइंड कुछ हिडन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. सो पाकिस्तान वॉज बिहाइंड 26/11 मुंबई अटैक्स. शी डाइड टाइफॉइड, वो टाइफॉइड से मर गई, मरने का रीजन ऑफ, शी डाइड ऑफ टाइफॉइड.
So here we come to an end of our this lesson, which is the preposition, other prepositions. Apart from the prepositions of time and place, position, moment, और इसके के साथ हम आज हमारा सीरीज ख़त्म करते हैं, that is of the prepositions. Next series में जो हम करेंगे, that will be our phrasal verbs. हम कुछ ऐसे phrasal verbs के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत commonly used phrasal verbs होते हैं. See, phrasal verbs again are unlimited, लेकिन हम उन common phrasal verbs की बात करेंगे जो आप actually अपने day-to-day usage में use करते हैं या कर सकते हैं. So I'll see you again with our next video, next series. Thank you.